मेरा नाम रंजन ठाकुर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर हीरो नेटवर्क्स में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं DC की फिल्मों के कुछ अपडेट्स के बारे में। तो क्या है वो सारी डिटेल, आइए जानते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देने की छोटे से इंट्रो के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम सभी को पता है कि DC की बहुत सारी फिल्में इस साल के एंड में ही खबर आ गई थी कि DC की बहुत सारी फिल्में इस साल रिलीज नहीं हो पाएंगी। इस साल आई थिंक सिर्फ शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड ही रिलीज हो पाएगी और बाकी के जितनी भी फिल्में होंगी वो सब नेक्स्ट ईयर के लिए शेड्यूल कर दी गई है। और जी हाँ, अब द फ्लैश फिल्म और एक बार डिले हो चुकी है, जो कि अब हमें देखने को मिलेगी जून 2023 में, यानी कि जून 2023 में। और मैं यहाँ पे बात करूँ, उस फिल्म में बहुत सी रूमर्स ऐसी आ रही हैं कि बेन एफ्लेक का आई थिंक वो लास्ट DCEU मूवी होगा, बट अब ये डिले बता रहा है कि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी डिस्कवरी और वार्नर ब्रदर्स की डील चल रही है और बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब जैक स्नाइडर के भी कुछ मतलब प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाएगा HBO मैक्स के लिए, और ये डिस्कवरी वाले खुद कर रहे हैं। और फ्लैश फिल्म से भी एक फोटो मतलब लीक हुई है, जो कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के टाइमलाइन की है, जहां पे फ्लैश पोर्टल खुल के आता है और ब्रूस वेन को बताता है लुइस इज द की। तो ऐसा ही सीन हमें शायद फ्लैश मूवी में भी देखने को मिलेगा। और हाँ, मेरे हिसाब से फ्लैश फिल्म में बैटमैन की डेथ, यानी कि हमारी बेन एफ्लेक के बैटमैन की डेथ नहीं होने वाली, आगे जाके उनको शायद जस्टिस लीग 2 बनेगी। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग 2 बनती है, तो शायद उनके बाद बेन एफ्लेक को खुद की बैटमैन फिल्म भी देखने को मिलेगी। हाँ, उनको ये फिल्म जी हाँ, क्योंकि बहुत टाइम पहले ही कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट लीक हुए थे बेन एफ्लेक की बैटमैन की सोलो फिल्म से, जिसमें डेथस्ट्रोक और बैटमैन की जबरदस्त फाइट सीन था, और वहां पे जॉन एंजेलियो का ही डेथस्ट्रोक था। और मैं चाहूंगा कि ये फिल्म बने, क्योंकि बहुत अच्छे खासे सीन्स थे और बहुत अच्छी खासी फिल्म देखने को मिल सकती थी, बट DCU ने सब कैंसिल कर दिया। बट एक उम्मीद जगी है डिस्कवरी के नारे, और शायद वो हो सकता है कि डिस्कवरी हमारे फैंस के इमोशंस को समझे और शायद बेन एफ्लेक को भी एक सोलो फिल्म देखने को मिल जाए। और मैं चाहता हूं कि अब स्नाइडर वर्स पूरी तरीके से रिस्टोर कर दिया जाए, क्योंकि अब डिस्कवरी और वार्नर ब्रदर्स का जो डील हो रहा है वो भी इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से फ्लैश फिल्म में कुछ चेंजेस करके इस यूनिवर्स को भी बचाया जा सकता है। तो यार, वही बात करें अगले सुपरमैन फिल्म की, तो जी हाँ, अब वार्नर ब्रदर्स कंपनी और जे इब्राहिम की कंपनी भी सुपरमैन के कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, और इस पे 1.5 साल से सिर्फ रूमर ही आ रहा है, अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं करी गई है। बट इतना कंफर्म है कि हमें वॉल्जार्ड का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, और इस प्रोजेक्ट में शायद माइकल बी जॉर्डन उनकी कंपनी प्रोड्यूस करेगी। अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है कि वॉल्जार्ड का रोल उस प्रोजेक्ट में कौन करने वाला है। मेरे हिसाब से आई थिंक माइकल बी जॉर्डन ही सही होंगे, बट उनका मानना यह है कि वो मार्वल स्टूडियोज के अंदर एरिक किलमॉन्गर का रोल प्ले ज्यादा करना सही रहेगा उनके लिए। और मुझे लगता है कि कोई और एक्टर कास्ट किया जाएगा नए सुपरमैन के रोल के लिए। और हाँ, हेनरी केविल की भी ट्रायोलॉजी अनाउंस करी गई थी, बट उस पर भी क्या काम चल रहा है अभी कोई भी डिटेल्स सामने नहीं आए हैं। जब भी कोई भी डिटेल्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।